हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं एक और रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, उसका टॉपिक है आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, दिल से आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं और क्या मैसेजेस आपको राइट नाउ देना चाहेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिला है अपनी लव लाइफ को लेकर। या तो आप दिल से खुश हैं क्योंकि कुछ ना कुछ साइन आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिल रहा है, या फिर आपकी लाइफ में एक या तो टर्निंग पॉइंट आया जिसकी वजह से आप खुश हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, बट आप दिल से खुश हैं। कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो देखना चाहेंगे आपके पर्सन के दिल में क्या है आपको लेकर राइट नाउ और वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। हमेशा की तरह गाइज, मैं आपको बता दूँ ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस है ये रीडिंग, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचेंगे आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, दो कार्ड्स, वाओ। हार्ट चक्रा पहला ही कार्ड है यहाँ पर और कन्फ्लिक्ट भी है, इट्स ओके, लेट्स सी मोर। Triumphant success and we have harmony. Wow, beautiful. Movement, choices and decision. We have firm foundation, patience and authority. मैं दो कार्ड और लूंगी डिटेल में जाने के लिए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, एंड वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ओके, एंड वी हैव सैक्रल चक्रा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। चलिए थोड़ा कार्ड्स को अरेंज कर देते हैं, आपको सारे कार्ड्स दिखने चाहिए अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर गाइज मुझको एरीज, सैजिटेरियस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं साइन। वैसे ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, ठीक है गाइज। ओके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हार्ट चक्रा यहाँ पे प्रेजेंट है और अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे 444 एंजल नंबर भी प्रेजेंट है। मैं एक साथ रख देती हूँ इन कार्ड्स को, ये बन गया 444 एंजल नंबर। इवन ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पे 444 पता है नंबर क्या होता है? 444 नंबर एक सपोर्ट सिस्टम को प्रेजेंट करता है कि आपके पास सपोर्ट है, आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके एंजल की तरफ से, आपके भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक मतलब और भी है कि आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए, और वो भी दिल से दुआएं कर रहे हैं गाइस, जो मुझे मैं यहाँ देख पा रही हूँ। क्योंकि ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। थोड़ी सी मुसीबतें हैं यहाँ पर, थोड़े से चैलेंजेस यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी गाइस इस पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है। देखो, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे इन द सेंस नहीं कि ये आप इसके दिमाग से नहीं निकल सकते, आप इसके दिल से नहीं निकल सकते, ये इम्पॉसिबल है इस पर्सन के लिए। वाई? बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लवर्स हैं, ठीक है, आपका डिवाइन कनेक्शन है, हार्मनी। आप ये जो कनेक्शन है ना, आप ये किसी ना तो आप किसी के साथ फील कर सकते हो और ना आपके पार्टनर किसी और के साथ फील कर सकते हैं। आप घूम फिर कर एक दूसरे के पास ही आओगे, आप कहीं नहीं जा सकते हो। और ऊपर से इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपके लिए, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना, ये सच में पार्टनरशिप अगर किसी के साथ चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, चाहे डिफरेंट कास्ट है, इस पर्सन को मैटर नहीं करेगी ये बातें, क्योंकि आपसे दिल से प्यार करते हैं। अगर आप इसके साथ इस कनेक्शन में हो, अगर आपको लगता है कि आपका हार्मनी वो आपका डिवाइन कनेक्शन है, आप इसके साथ एक पीस फील करते हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप नहीं हो, चाहे इसने कितना भी आपको अवॉइड किया है या फिर आपके साथ लड़ाइयाँ करी है, झगड़े करें, फिर भी आप इसके लिए दिल से दुआएं मांगते हो, तो दिस इज़ अ ट्रू कनेक्शन। और ये पर्सन भी आपके लिए दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं
ये पर्सन आपको दिल से प्यार करते हैं, जो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसकी विशेस आप हैं, इसको फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और ये चाहते हैं कि ये विक्ट्री मिले इस कनेक्शन को, सक्सेस मिले इस कनेक्शन को, क्योंकि ये आपके लिए पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं यहाँ पर एक दूसरे के लिए। ये चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन को विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, और ये आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करे। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये चाहते हैं आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच भी रहे हैं, और ये दिल से चाहते हैं कि ये आपको कांटेक्ट करें। आपको किस लिए पेशेंस करना पड़ेगा? देखो, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में भी है। आप भी किसी ना किसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर कर उस पर काम कर रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है, जॉब, स्टडी, कुछ भी हो सकता है गाइस। सबके अपने अपने अलग, सबके अलग अलग लाइफ हैं, सबके अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन को तो देखो, अपना अपने लिए कुछ सॉलिड क्रिएट करना है। ये अथॉरिटी की, मतलब ये पावरफुल पोजीशन हासिल करनी है आपके पर्सन को। कुछ बनना है अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करके दिखाना है इस पर्सन को। इसीलिए ये पर्सन ना वेट कर रहे हैं, पेशेंस रखा हुआ है, और इसको बहुत अच्छे से पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। जिस दिन ये आपके पास आएंगे स्टेबल होकर, आप हाँ कर दोगे और आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपका दिल का रिश्ता है, ये दिल से दिल का कनेक्शन है। दैट्स वाई ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं और डिसीजन भी ले लेंगे, ठीक है। और सब कुछ अच्छा होगा, पार्टनरशिप भी होगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट मैं देख रही हूँ, और आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो, दिल से एक दूसरे को याद करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन के लिए। तो इसीलिए शायद आपको अंदर से भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, चाहे आपकी कंडीशन अच्छी है बुरी है, आई डोंट नो, बट आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है आजकल कि आपको आपके पर्सन से रिलेटेड साइन मिल रहे हैं, या फिर वो आपके ड्रीम में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव वाइब भी आ रही है। ऐसा मैं बिल्कुल फील कर पा रही हूँ आप लोगों की तरफ से। और देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी फ्रॉम एनर्जी और एकल कार्ड्स, देन मैसेजेस चेक करेंगे। सन, ओ वाओ, इसलिए तो पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है ना आपको, क्योंकि आपके पर्सन को आपको लेके बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उनके दिल में, दिमाग में। वो आशा कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। ओ वाओ, ब्यूटीफुल, लेट्स सी मोर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बिल्कुल आपके लिए भगवान ने दरवाज़ा खोल दिया है। रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो, एफर्मेशंस बोलो, खुश रहने की कोशिश करो, बिकॉज ये दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया गया है डिवाइन की तरफ से। फोर ऑफ वैंड, ये मैरिज कार्ड होता है, हो सकता है कि जल्दी ही मैरिज प्रपोजल भी आपके पास आ जाए आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। ओ, तो आपके ना आसपास कुछ एनिमीज हैं। बी ब्रेव गाइज, यू हैव टू डील विद देम। ये फिलहाल आपके आसपास भी कुछ एनिमीज और आपके पर्सन के आसपास भी है। हो सकता है आपके वर्क एरिया में हो, ठीक है, आपके कलीग्स वगैरह कुछ ना कुछ आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ना अटेंशन, थोड़ा थोड़ा अलर्ट रहिए, देखिए आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस टाइम अपने वर्क में, और एक डायरेक्शन को चूज कर कर ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, तभी ये आपको वेट पे रख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन तब तक तो डिसाइड नहीं कर सकते जब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज गॉडेस ऑफ द मून आपके साथ हैं और आपकी लाइफ में पीस भेजने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है, और आपको अपनी ब्लेसिंग्स तो भेज ही रहे हैं। तो और देख लेते हैं गाइस, एडवाइस देख लेती हूँ मैं आपके लिए, अगर कोई एडवाइस आ रही है तो फिर आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देखेंगे। टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लो अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है, ये बिल्कुल टाइम है एक्शन लेने का, कुछ करने का अपनी लाइफ में। मेडिटेशन कर सकते हो आप, कंटेम्पलेट कर सकते हो, और न्यू मून्स के कार्ड आ रहे हैं, तो डेफिनेटली गाइस न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी आएगी आपकी लाइफ में। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून आ रहा है आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को दिखा दीजिए कि आप रियलिटी में कौन है। ये चीजें आपको करने की जरूरत है गाइस। अब मुझे लगता है कि जल्दी ही आपकी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं, जब आप भी खुश होगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे अपने पार्टनर के साथ।
यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो आप इस पर्सन को बहुत हंसाते हैं. यू आर फनी, आप इस पर्सन के लिए काफी फनी हैं. एंड यू आर ऑनेस्ट विद मी, बट ये आप इस पर्सन को पता है कि आप ऑनेस्ट हैं. और यू कैन रीड माई माइंड, ये पर्सन कह रहे हैं आप इस पर्सन का माइंड रीड कर सकते हैं. यू आर जीनियस, जीनियस कह रहे हैं आपको. एंड यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस, आप इस पर्सन को के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं. एंड यू मेक मी फील कंप्लीट, यू आर माई होम, यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, यू लव मी, यू लव मी, ये पर्सन कह रहे हैं. तो गाइज यहाँ पर बिल्कुल ये पर्सन फील करते हैं कि आप इनको एक कम्प्लीट, आप इन्हें कम्प्लीट फील कराते हैं. आपसे इसको एक घर वाली फीलिंग आती है, ठीक है, होम फीलिंग. और आप हमेशा इसकी विश सक्सेस के लिए विश करते हैं, और ये भी आपके सक्सेस के लिए विश करते हैं, ठीक है. तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही अच्छी है. थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कुछ ही टाइम के लिए. अगर आप जल्दी जल्दी अपना इनर वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए डिवाइन टाइमिंग बहुत पास आ रही है. और मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका यूनियन हो गया, आपके पर्सन ने कांटेक्ट कर लिया है. तो आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना. चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर.